हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज मैं बनाऊंगी आलू से बहुत ही टेस्टी एक स्नैक्स की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा जल्दी बनके तैयार भी होती है। तो आज की रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए 3 से 4 बड़े आलू को। शेप यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने इस तरीके से छोटे छोटे डाइस के शेप में कट करा है। आप चाहे तो यहाँ पर फ्राइज़ के शेप में लंबे लंबे भी कट करके तैयार कर सकते हैं। तो हम पहले इसको कटिंग कर लेने के बाद साफ़ पानी से 2 से 3 बार धो लेंगे। उसके बाद हम इसे सुखाएँगे। एक टिशू की मदद से मैं कुछ इस तरीके से इसका पानी सोक कर लूँगी। देखिए, सारा पानी आ जाएगा। हमें इसे पूरी तरीके से ड्राई करना है। अगर आपके पास टिशू ना हो तो आप एक कॉटन के कपड़े से भी इस तरीके से फैलाने के बाद डैब कर लीजिएगा। आलू को पूरी तरीके से ड्राई कर लेने के बाद हम एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे कसूरी मेथी क्रश करके ले लेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा यहाँ पे हींग, और डालेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, मिक्स कर लेंगे। गाइज, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सभी मसालों को मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे आलू जो हमने ड्राई करके रखे थे। सभी आलू में अच्छे से कोट हो जाने चाहिए। अब हम एक बड़े स्पून की मदद से अच्छे से कोट कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, आप देख सकते हैं जो आलू में हमारा जो ये मसाला है अच्छे से कोट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। फ्राई करने से पहले हम एक बड़ी सी छन्नी में इस तरीके से आलू को रखेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से शेक कर लेंगे, जिससे जो हमारा जो एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर है वो निकल जाए। अब हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाए इसमें हम डाल देंगे आलू। आलू डाल देंगे हम। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम इसे पलट पलट के फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी हमारा ये बनके तैयार होता है। एक बड़े चम्मच की मदद से हम लगातार इस तरीके से हिलाते जाएंगे। 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा हमारा ये जो है आलू फ्राई होने में। देखिए, इस तरीके से हम इसे हिलाते रहेंगे। देखिए, लगातार हिलाते हिलाते हमारा ये कितना सुंदर कलर आया है। इसी तरीके से हम मिलाएंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। 5-6 मिनट हो गए हैं लगातार चलाते हुए, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हमारे ये गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन कलर आया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी बन के ही तैयार हुआ है। अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और बाकी बचा हुआ आलू भी हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और देखिए कितनी जल्दी हमारा ये बनके तैयार हो गया टेस्टी क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स। आप चाहे तो इसे आखिर में काला नमक के साथ सर्व करके भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा ये टेस्टी और क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।